भाई मेरे भाई मुझे माफ कर दे, तुझे मेरे घर में घुसाने की कहानी टोटल फुसकी हो गई। चल अब जो हो गया सो हो गया, भूल जा, अब वक्त आ गया है, तू अपना काम कर। ये लोग नागमणि उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नागमणि तो मैं उठा नहीं सकता। मैं तुम लोगों का कोई काम नहीं करने वाला और उस घर में वापस नहीं घुसने वाला। अरे तुझे उस घर में कौन घुसा रहा है, तुझे तो नागमणि की गुफा में घुसाना है। पिछली बार इसका बेटा मुझे जेल भेजने वाला था, तुम लोगों के चक्कर में मेरी जो चोरी चकारी की दुकान है ना वो बंद हो जाएगी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। सुन, एक रात की बात है, एक बार नागमणि हाथ में आ गई ना माला माल हो जाएगा, जिंदगी भर ये छोटी मोटी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, तूने हमें बताया था ना कि ये जो निशानी है उसे देखकर आघोरी लोग तुझे पकड़ कर ले गए थे। अरे नागमणि कहा है, एड्रेस मुझे पता है, तुझे कुछ नहीं करना है, वहाँ आना है और नागमणि को उठाना है। नागमणि एक बार हमारे हाथ में आ जाए फिर वो हम तीनों में बांट लेंगे, समझ गया ना? अब ना कहूंगा तो इन लोगों को मुझ पे शक हो जाएगा। ठीक है, कब जाना है? आज रात के तीसरे पहर। नागमणि को तो ये उठवा लेगा, पर नागमणि उठेगी कैसे? ये देख, नागमणि यहाँ पे है ना, उसके चारों तरफ ये व्हाइट लिक्विड डाल देना, जैसे आधा चंद्रमा निकलेगा और उसकी रोशनी नागमणि में पड़ेगी, नागमणि अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। आज जो है बहुत बड़ी रात है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस, बहुत बड़ी साउथ इंडियन फिल्म रिलीज हो रही है। जी जी, आज पहली बार आपके उस जानवर पे, मेरा मतलब है आधा इंसान और आधा जानवर पे, बहुत प्यार आ रहा है, कमाल का जानवर है वो। चलो चलो। मेरी ये सांप वाली बिंदी अपनी किस्मत लिखा कर लाई है, शायद यही बिंदी उस सांप को खींच कर लेकर आई और अब यही बिंदी उस नागमणि को खींच कर लाएगी। मेरी बिंदिया मणि की निंदिया ना उड़ा दे तो कहना। हंसना बंद कर काली नागिन, कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि इस तरह सपोले बनकर दरवाजे से मत आया कर। देख, तेरी इतनी प्यारी डिजाइन खराब कर दी ना तूने, आग लगे तेरी पूछ को। ओए बिंदी की दुकान, इतनी रात को इतनी सज धज के कहाँ जा रही है तू? बिंदी का पार्ट टाइम बिजनेस करने जा रही हूँ, चलेगी मेरे साथ? सोने जा रही हूँ। इतनी सज धज के क्यों? टीवी सीरियल की सारी हीरोइनें इतनी सज धज के कैसे सो लेती है, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूं। खैर तू छोड़ मेरी बात, ये बता तू अपनी पूंछ हिलाते हुए यहाँ क्यों आई? तेरी नींद उड़ाने, तुझे जो ब्रेकिंग न्यूज दूंगी ना मैं, सुन के तेरी नींद उड़ जाएगी मोटी। अरे ओ काली नागिन, टीवी सीरियल्स की तरफ फुटेज मत खा, मुद्दे पे आ। मुद्दे पे तो तू खुद कभी नहीं आई है, उस नाग को कभी पकड़ नहीं पाई है, और मैं तो उस सांप की मौत का इंतजाम करके आई। अच्छा, रात को ज्यादा चढ़ा ली क्या? ए ओवर एक्टिंग की दुकान, ये देख सांप की केंचुली। अच्छा, आजकल तू अपनी एक्स्ट्रा केंचुली लेकर घूमती है? ये मेरी केंचुली नहीं है, ये उस सांप की केंचुली है, मुझे गार्डन में मिली, वो आज फिर यहां आया था। हे भगवान, ये तो रुद्र की केंचुली होगी, और कोई सांप तो है ही नहीं यहां। अरे खाली नागिन, वाह, पहली बार तूने सही काम किया है। चल अब जल्दी से ये केंचुली मुझे दे दे, मैं इसे ले जाकर ना कपालिका को दिखाऊंगी, वो देखकर बताएगी कि ये किसकी केंचुली है, कौन है वो। चल ला दे मुझे। मैं उस सांप की मौत अपने हाथ में लेके घूम रही हूँ और तू उस झोल झपाट कपालिका के पास जाएगी। अरे शॉर्टकट मार, उस सांप को अभी के अभी मार देते हैं। ऐसे सांप की केंचुली को अगर जला दिया जाए तो सांप की मौत हो जाती है। ये केंचुली रुद्र की है, कितनी मुश्किल से मनाया है उसे नागमणि उठाने के लिए, अगर इसने इसकी केंचुली जला दी तो वो मर जाएगा, फिर नागमणि कैसे उठाएगा? पर एक बार उसका असली चेहरा तो देख लेते हैं, मतलब कौन है वो, कैसा दिखता है। अरे तूने ही तो कहा था कि अगर नाग को मारने उसके सामने जाएंगे तो उसकी आंखों में हमारी फोटो छप जाएगी और फिर उसका कोई रिश्तेदार आ जाएगा हमसे बदला लेने,
अरे बदले की कहानी खत्म कर, चल इसे जला के उस नाग को मार देते हैं। कैसे रोकूं इस काली नागिन को, मेरी नागमनी की चाबी को जला रही है। माचिस दे। माचिस? मेरे पास माचिस कहा? या तो माचिस है ही नहीं। नहीं है। मिल गई। मेरी नागमनी की डुप्लीकेट चाबी पे इस आग का असर हो रहा होगा। शिवांगी, शिवांगी क्या हुआ? अब ये नया चक्कर क्या है? ये आग किसने लगाई? कहीं यामिनी कुछ करने तो नहीं वाली? ये तो शिवांगी की केचुली है, ये लोग इसे जला रहे हैं। अगर ये पूरी जल गई तो शिवांगी मर जाएगी। मुझे इसे जलाने से रोकना होगा। बड़ी माँ वो है ना मुझे। हम तो रद्दी के पेपर्स जला रहे थे। देख शिवांगी, शिवांगी क्या हो गया था तुम्हें? तुम ठीक तो? डॉक्टर को बुलाओ। मैं, मेरा दर्द तुम्हारी आंखों में क्यों दिख रहा है मुझे? तुम ठीक हो शिवांगी? आई ओके? वो शाम को एक दवा ले ली थी, शायद उसी का रिएक्शन होगा। अब मैं ठीक हूं। मैं चेंज कर लेती हूँ। ये अचानक मुझे क्या हो गया था? अरे तो रद्दी पेपर थे तो मुझे दे देते ना बड़ी माँ, मैं फाड़ कर फेंक देती। आपको तो पता है ना वो करण राज के घर इसी तरह आग लगी थी। हाँ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि तू इतनी रात गए
मेरे कमरे में क्या कर रही है? हाँ वो ना मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपके पास आकर ना वो स्लीपिंग पिल्स ले लूं। ओ नींद की गोलियां। एक मिनट रुचिका, तुम्हें चाहिए नींद की गोलियां? नो थैंक्स। ओके ठीक है, बता तुम्हें चाहिए ना? हाँ रख लो, खत्म मत कर देना। हाँ चलती हूँ बड़ी माँ। गुड नाइट। अब कैसे भी करके मुझे यामिनी से शिवांगी की केचुली वापस लेनी होगी, तभी शिवांगी को उसकी शक्तियां वापस मिलेंगी। आखिर मेरी केचुली गई कहां? मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढना है। शिवांगी खांसा बंद करो प्लीज, टेबल के ड्रॉ में सिर पड़ा है, जाके पी लो। गॉश, ये खांसी की बगावत ने नींद को शहीद कर दिया है। तुम जाओ, मैं पी लूंगी। अभी पियो मेरे सामने। क्यों? पहले तुम जाओ। मैंने कहा पियो। ऐसा नहीं हुआ। वो खोलो। क्यों कर रहे हो? तुम तो पियोगी नहीं, मुझे ही पिलाना होगा। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। खड़ूस कहीं का। मुझे किसी भी तरह रुद्र से मिलकर उसे बताना होगा कि मेरी केचुली खो गई है। कहां होगी शिवांगी की केचुली? अब शिवांगी को उसकी शक्तियां फिर मिल जाएंगी। काली नागिन ने तो मेरा मुंह ही काला कर दिया, बिंदी की चिंदी कर दी उसने। कौन कौन है वहां? मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हो? पिक्चर देखने आया था, याद है ना कुछ घंटे बाद वहां जाना है। कैसे भूल सकती हूँ? और ये कौन सा नया नेकलेस लिया? ये मैं बाहर, ये नेकलेस नहीं है, ये केंचुली है। इसी से हम नागमणि उठवाएंगे। शेषा इसे जलाने वाली थी, ये तो अच्छा हुआ कि मानसी वहां आ गई सही वक्त पर और उसने पानी डाल दिया, वरना आज वो नाग मर ही जाता। ओहो, इसे लगता है कि ये केंचुली मेरी है। अच्छा है इन्हें फिर से शिवांगी पे शक नहीं हुआ। चलो एक बार नागमणि हाथ में आ जाए उसके बाद इसे भी जला के खत्म कर देंगे। ठीक है तुम निकलो। मतलब जे जी आप निकलिए ना, अगर वो मधुमक्खी और काली नागिन हम दोनों को एक साथ देखेंगे ना तो एक साथ हम दोनों को दफना देंगे। आप जाइए।
ये केंचुली? ठीक है, ओह रुद्र, रुद्र मेरी केंचुली कहीं खो, यामिनी के पास थी, शेषा इसे जलाने वाली थी, उन लोगों को लग रहा था ये केंचुली उस नाग की है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। तभी मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही थी। ये लो, इस केंचुली से अपनी शक्तियां वापस पा लो। रुद्र, रुद्र एक और प्रॉब्लम है। क्या? एंगिटू और यामिनी चाहते हैं कि आज रात को ही मैं वो नागमणि उठाऊं। पर नागमणि तो स्वयं प्रकाशित नहीं हुई है। उन्होंने नागमणि सामने लाने का कोई और तरीका ढूंढ लिया है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर पाया क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो उनको शक हो जाता। खैर, शक तो उन्हें वैसे भी हो जाएगा क्योंकि नागमणि को मैं उठा नहीं सकता। तुम्हें नागमणि उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे? उन चोरों के बारात की सबसे बड़ी कमजोरी है नागमणि का लालच, हमें उसी लालच का फायदा उठाना है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, वो लोग नागमणि के दुश्मन है तो मैं भी नागिन हूँ, शिव जी की भक्त हूँ, नागमणि की रक्षक। ओम नमः शिवाय। हाँ, जो भी होगा आज रात को ही होगा। ये ओवर एक्टिंग की दुकान इतनी रात को कहाँ जा रही है? हाँ, मुझे पता है नागमणि कहाँ स्वयं प्रकाशित होगी। आज रात को ही नागमणि उठा लेंगे। शेषा, अब इस यामिनी को तू खुद रोकेगी नागमणि उठाने से, फिर रुद्र को मणि उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब इस मोटी से मैंने पूछा कितना सच के कहां जा रही है तो इसने मुझसे झूठ कहा, तो ये नागमणि उठाने जा रही है, लेकिन किसके साथ? रुक जा मोटी, मैं आ रही हूं। लगता है शेषा मेरा पीछा कर रही है, बहुत ही जल्द वो यहाँ पहुंच जाएगी। चलो ड्रामा शुरू करते हैं। ये मोटी इतनी रात को किससे मिलने आई है? ये भैरूपिया? तो ये ओवर एक्टिंग की दुकान इससे मिलने आई है। जब इसने इसे इस घर में लाया था तभी मुझे पता चल गया था कि ये कोई ना कोई कांड करने ही वाली है। तुम नागमणि की डुप्लीकेट चाबी हो और आज रात को ही हम वो नागमणि उठाएंगे। बिना स्वयं प्रकाशित हम वो नागमणि उठा सकते हैं। इसका तोड़ एंकी टू के पास है, तुम बस सही वक्त पर वहां पहुंच जाना।
नागमणि की चाबी? नागमणि की चाबी तो शिवांगी है, तो ये डुप्लीकेट चाबी? ये क्या चक्कर है? एक बात और, तुम्हारे गर्दन के पीछे जो वो सूर्यवंशी का निशान है ना, इसके बारे में ना ही वो मधुमक्खी जानती है और ना ही वो काली नाग, इसके बारे में सिर्फ हम तीन जानते हैं। और जब तक उन दोनों को पता चल जाएगा, हम नागमणि उठाकर यहाँ से गायब हो जाएंगे। पता है ना कहाँ पहुंचना है? शिव मंदिर के पीछे वाली वो ऊंची पहाड़ी पर, सही वक्त पर वहां पहुंच जाना। चलो अब तुम जाओ। ये मोटी इतनी खोटी निकलेगी, मुझे तो पता ही नहीं था। हम जानवरों को धोखा दे रही है। तेरी तो मैं बैंड बजा दूंगी मोटी। शेषा, अब तू खुद हमारा काम करेगी। यामिनी और एंकीटू को वो मनी नहीं उठाने देगी तू। हे मक्खी, मैंने तुझे इतनी बड़ी खबर दी और तू भिन 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 कर रही है। कैसी महेश्वरी रानी है तू? हाँ, नागमणि किसी और के हाथ चली जाएगी, फिर सो जाना 6 महीने के लिए, नहीं जिंदगी भर के लिए। रानी साहिबा, तो क्या करूं? तेरी तरह चीजें तोड़ फोड़ दूं? जा रही है, उसे जाने दे, ये तो खुशखबरी है। तू जा, जाके नागिन डांस कर। लगता है मक्खी के दिमाग का मधु सूख गया है। अरे 118 साल पुरानी नागिन, यामिनी हमारा काम आसान कर रही है। कब तक इंतजार करते कि कब स्वयं नागमणि प्रकाशित होगी, कब जाएंगे, कब उठाएंगे? अब यामिनी डुप्लीकेट चाबी बनाकर नागमणि उठा रही है, तो उसे उठाने दे, बाद में उससे उठा लेंगे। और वो मोटी उठाने देगी? हाँ बेवकूफ, वो तुझे उठा लेगी। लगता है इंसानों के साथ रह के तू भूल गई है कि तू एक जानवर है। एक ही अटैक में नागमणि के साथ उसे भी उठा लेंगे। वो कितनी भी स्मार्ट हो, है तो इंसान। जय हो रानी साहिबा की जय हो। तो ठीक है, तू सो जा, मैं भी अपनी नींद पूरी कर लेती हूं। काली नागिन की जय हो। शेषो और अवंतिका ने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? अगर हम गुफा तक पहुंच गए तो ये दोनों मुझे नागमणि उठाने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं उठा नहीं सकूंगा और फिर इन्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा था। मणि मणि ओ मणि 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 ओ मणि, मेरी मंजिल आ गई। आज वो मणि यामिनी के हाथों में होगी। हम दोनों के हाथों में होगी। ओ कुत्ते, यहाँ क्या कर रहा है? चल चल के गुफा में नागमणि उठा। पिछली बार नागमणि यहीं से प्रकाशित हुई थी। और इस बार भी यहीं से प्रकाशित होगी। पिछली बार अपने आप हुई थी और इस बार मैं प्रकाशित करूंगा।
और भूकंप के नाते तेरा ये गुरु ये लिक्विड नागमणि प्रकाशित करने के लिए दिया है या हम लोगों को जमीन से ऊपर भिजवाने के लिए? नाट्यम मत कर, मुझे क्या मालूम क्या हो रहा है। मेरी नागमणि आजा आजा। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहे अब जीर जी? हाँ, उसे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना शेषनाग जो है ना वो बाहर आके आपको ऐसे डस लेगा, फिर आपका जो कवच है ना वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। फर्स्ट टेक में सीधे ऊपर चले जाओगे। अरे ये जो फुंत्रो हमारे साथ आया है ना, हमारी नागमणि की डुप्लीकेट चाबी हम उसे क्यों लाए हैं? वो उठाएगा। जा उठा। अरे ऐसे क्या देख रहा है? जा ना, उठा नागमणि। देख रहे हो? उठाओ ना। उठा। मुझे दे। अरे सुन ना, दे देना। ओहो, दे ना, यहाँ मेरे हाथों में। शिवांगी, तुमने रुद्र बन के नागमणि उठा तो ली, लेकिन इतने सारे दुश्मनों से तुम नागमणि बचाओगी कैसे? चल। अरे तू रुक क्यों गया? चल ना। मैं गाड़ी में अपना फोन भूल गया हूँ, लेके आता हूँ। अरे तो अंदर कौन सा सपोला बैठा है जिससे तुझे फोन करना है? ए भाई, मैं भी पहली बार नागमणि देखूंगा तो उसके साथ एक सेल्फी तो बनती है ना। आप लोग चलिए, मैं आया। जी चलिए अंदर चलते हैं। जब तक वो वापस नहीं आ जाता, गुफा के बाहर जो पत्थर है ना उसे हटाएंगे और रास्ता बनाएंगे। चलिए। चल। शिवांगी, अब तक शेषा और अवंतिका ने कुछ किया क्यों नहीं है? एक बार मैं गुफा के अंदर गया और नागमणि नहीं उठा पाया तो सबके सामने मेरा राज खुल जाएगा। तुम नागमणि उठाओगे? कैसे? ऐसे, क्योंकि अब गुफा के अंदर सूर्यवंशी का असली वारिस जाएगा नागमणि उठाने। लेकिन शिवांगी, जैसे तुम नागमणि उठाओगी उसके बाद वो लोग तुम पे हमला करेंगे।
मैं नागिन हूँ, शिव जी की सबसे बड़ी भक्त, नागमणि की रक्षक। मेरी जान पे ऐसे हजार जान कुर्बान। ओम नमः शिवाय। लो तो आ गई जानवरों की फौज, अब ये लोग नागमणि के लिए लड़ेंगे। नागमणि मुझे जाओ। नागमणि पर सिर्फ महेशमति रानी का हक है। धोखेबाज औरत, मैंने तेरे मुर्दे को जिंदा किया और तूने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा था ये ओवर एक्टिंग दुकान का कोई भरोसा नहीं, अपने चेट नाम के प्राणी के साथ मिलके हमें धोखा दे रही थी। अरे चुप कर। अरे चुप कर मेरी काली नागिन। रानी साहिबा, तुम तो रानी हो, महारानी हो, तुमने मुझे नई जिंदगी दी, मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ? अरे ये सब इस बुड्ढे का खेल है, धरा धमका के यहाँ लेकर आया और बोला बताओ बताओ नागमणि कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, गाड़ दूंगा। अभी भी जरिया वाला नहीं, करती भी तो क्या करती, आना पड़ा। ए साउथ इंडियन एक्ट्रेस, अपना नाटक बंद कर, ये डुप्लीकेट चाबी तू लेके आई, मैं नहीं। तू चुप करो, बंद करो अपनी ये तू मैं। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बिट्टे हो। ये दोनों बहुत ही पहुंचे हुए, चल दोनों को मिलके ऊपर पहुंचा देते हैं। छूने की कोशिश भी मत करना वरना छू मंतर हो जाओगी। उछल के कहां जाकर गिरोगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरी आई अच्छा हट, अच्छा हट, नागिन नागिन कही के हट। रुद्र, हमें इस नागमणि को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना होगा। शिवांगी, इसकी रक्षा सिर्फ तुम ही कर सकती हो, इसे यहाँ से लेके जाओ। हाँ हमें जल्दी जाना होगा, चलो मेरे साथ। नहीं शिवांगी, मैं इन लोगों को जब तक रोक सकता हूँ मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, तब तक तुम्हें भी वक्त मिल जाएगा इस नागमणि को छुपाने का। तुम यहाँ से निकलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चलो मेरे साथ। शिवांगी वक्त जाया मत करो, इससे पहले वो लोग तुम्हें देख ले तुम यहाँ से निकलो। इस लॉकेट से नागिन के डंक से तो बच जाएगी, मधुमक्खी के डंक से कैसे बचेगी? चल तैयार हो जा। ए, लड़ना बंद करो, तुम लोग की लड़ाई के चक्कर में वो रुद्र नागमणि लेके भाग गया। कहाँ गया वो, कहाँ गया? नागमणि लेके भाग गया। अरे तुम जानवरों की वजह से ना तुम दोनों यहाँ आती, ना रुद्र वो नागमणि लेकर भागता। ए त्रि देवियों, बंद करो अपना झगड़ा, चलो चल के देखते नागमणि। चलो ना। ये तो इच्छाधारी नाग है। हाँ पता है, तुझे पता है? नहीं मतलब वो निशान देखा तो मैंने सोचा कि नाग हो या इंसान क्या फर्क पड़ता है, नागमणि उठानी उठा लेते हैं। ये तो वही नाग है जिसे हमने नाग जाल में फंसा के मार दिया था। ये जिंदा कैसे हो गया? हाँ मैं एक नाग हूं, और मर के फिर से जिंदा हो गया, और अब तुम लोगों को कभी भी नागमणि नहीं मिलेगी। अरे दोनों जानवरों खड़ी क्यों हो, जाओ ना, जाओ जाकर वार करो। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं।
से पहले ये तो बता नागमणि कहाँ है। वो इंसान है या जानवर है, जो भी उसे रोक। इसने अपने सींग में रुद्र को उठा लिया है। ए मक्खी, ज्यादा भिन भिन मत कर। तूने ही कहा था ना कि मोटी हमारा काम आसान कर रही है। अगर नागमणि उठाती है तो उठाने दे, हम बाद में उठा लेंगे। तो जा जाके उठा ले। यामिनी सच सच बता के रुद्र कहाँ गया? तू भी यही थी ना, देख रही थी ना, उसे उठाकर भाग गया वो, चला गया वो। उस भैंसे को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा तो क्या करता, मार देता मुझे वो? ये तो गनीमत कहो कि मेरे पास भी कवच है, सुरक्षा कवच जो तुम लोग के पास है, वरना आज तो साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने मुझे साउथ ट्रांसफर करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। रे मक्खी, मैंने कहा था ना ये ओवर एक्टिंग की दुकान फुल टू फ्लॉप है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये दोनों मिलके मस्त पिक्चर बना रहे थे। मस्त नहीं, मस्ती। ये मस्ती पार्ट वन और ये मस्ती पार्ट टू। ये दोनों मिलके हम दोनों से छुपा के नागमणि उठाने लेके गए थे और फिर रुद्र के साथ साथ नागमणि भी उठा ली। और जब तुम लोगों को पता चला कि रुद्र को पता है कि नागमणि कहाँ है, तो अब तुम दोनों नौटंकी कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ए, इसको चुप करा। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो इसको ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ भेज दूंगा मैं। ए, चुप कर। ओवर एक्टिंग की दुकान का रिजेक्टेड माल। माल बोला मेरे को? बुलाओ महेश को, फिर तुम दोनों जानवर लोग लड़ना उससे। तू क्यों इतनी चुप है? आगे पीछे बहुत बोलती, आज तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? देख यामिनी, धोखा मत दे। याद रख के तुझे मैंने जिंदा किया था। नागमणि का असली हकदार मैं हूँ, तेरा ये फंटर पार्टनर नहीं। ए, मक्खी चुप कर, नहीं तो एक ताली में मसल के रख दूंगा। ए, ताली तूने मार दी है, अब देख मैं इस मोटी की बैंड कैसे बजा। अरे चुप कर, चुप कर रहो तुम दोनों जानवरों। अरे मैं चुप हूँ इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दोनों बोलती जाओ। और तू मधुमक्खी क्या कह रही थी? तूने मुझे जिंदा किया? अरे कोई एहसान नहीं किया तूने मुझ पर। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि तुम दोनों जानवर वो नागमणि नहीं उठा सकते, इसलिए मुझे जिंदा किया। नागमणि की डुप्लीकेट चाबी मैंने ढूंढ निकाली
शिवांगी को मैंने पकड़ लिया था, नागमणि मेरे हाथ में थी। पर नहीं, तुम जानवरों को तो आदत है ना खड़े में टांग अड़ाने की, खड़े हो गए। ना ही आज तुम दोनों यहाँ आती, ना ही रुद्र वो नागमणि लेकर यहाँ से भाग जाता। आज आज वो नागमणि मेरे हाथ में होती। कैसे होती? हाँ कैसे होती? तूने अपने इस डुप्लीकेट जेट के साथ नागमणि के साथ रफू चक्कर होने का प्लान बना लिया था। रफू चक्कर हुआ तो ना? नहीं हुआ ना? तो तेरा क्या भरोसा? रफू चक्कर हो जाती तो देखिया मैं नागमणि के असली हकदार महेशमती की रानी है, और नागमणि मैं लेकर रहूंगी। उसके लिए ताए तेरे जेट को या तेरे पेट को काटना पड़े काट डालूंगी। क्या कहा तूने? पेट को काट देगी? अरे काटना पेट काट, मुझे काट, लेकिन नागमणि तुम दोनों को कभी नहीं मिल सकती। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो जानवरों, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं अपनी असली औकात में आ जाऊंगी। आज मैं ओवर एक्टिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है शेषा चल। क्या बात है मेरी साउथ इंडियन एक्ट्रेस, आज तूने इन दोनों को इनकी असली औकात दिखा दिया। अरे वो बुद्ध है, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखा दूंगी। अरे जब देखो चपाड़ 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 मारूंगी थप्पड़। अतम्मा जी सटक ली रहे, अगर तू यहाँ नहीं आता ना तो ये कुछ नहीं होता। मेरी दो असिस्टेंट्स वो काली नागिन और वो माहिष्मती दोनों चली गई। अरे तू नहीं जानता कितने डेंजरस है वो, कहीं नींद में आकर ये लॉकेट निकालकर मुझे मारकर 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया तो मुझे बचाने कौन आएगा, कौन आएगा? अरे तो अच्छा है ना, तू भी चली जाएगी तो नागमणि का असली वारिस मैं रह जाऊंगा। अरे ओ बुढ़े सपने देखना बंद कर, उन दोनों जानवरों के हाथों मरने से पहले ये सोच वो नागमणि हम कैसे हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ना काम का ना काज का, 50 मन भैंसे का। तो चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ। शेषना, इस नागमणि की रक्षा करते करते मेरे माँ बाबा ने अपनी जान दे दी। इसकी रक्षा करने के लिए आपने मुझे मेरी शक्तियां दी, मुझे इच्छाधारी बनाया। आज मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये नागमणि उन दुश्मनों से ले आई हूं मैं, और आज इस नागमणि को आपके शरण में समर्पित करने आई हूं। ओम नमः शिवाय। इष्टदेव, हे पूज्य देव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम ले सकूं। ओम नमः शिवाय। अभी तक आया क्यों नहीं? उसने तो कहा था वो मुझे पंचनेर की हवेली के बाहर मिलेगा, फिर वो कहाँ है रुद्र? हे शिवजी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.